नारनाउंद उपमंडल के गांव खेड़ी जालब व खेड़ी लोहचप के किसानों ने बिजली की लाइन बदलने व किसानों को पूरी बिजली नहीं मिलने के चलते खेड़ी लोहचप के बिजली घर पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलते ही खेड़ी चौकी प्रभारी भीम सिंह व बिजली निगम के जेई अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत किया और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने के आश्वासन पर किसानों ने करीब डेढ़ घंटे बाद ताला खोल दिया। मारे बिजली घर है और ये दोनों गांव पूरे परेशान हैं। देख लो आप कितने किसान आ रहे हैं। आज कम से कम 8-10 दिन हो गया है, एक घंटा ट्यूबवेल की लाइट चल रहा है, उसे टेम जम्फर उठ जाए है। ये फ़ोन करें जिसकी ड्यूटी है, वह कोई फ़ोन स्विच ऑफ कर ले है, कोई कहते हैं मैं दूसरी जगह जा रहे हूँ, दूसरी जगह जा रहे हूँ, इनका कोई समाधान नहीं करेगा। आखिर में ये किसान सारे तंग हो गए ना, आज बिजली घर का ताला लगा है। हमारी तो प्रशासन तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आड़े जितने भी ड्यूटी कर्मचारी हैं इनका एक दो बढ़ाया जाए और हमारी लाइन को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और जो नया सिस्टम करना है, इन्हें खंभे लगाने हैं 10 से 15 हैं, उनका जल्दी एस्टीमेट बना के और नए तरीके से हमारी लाइन शुरू की जाए। क्या हमने फ्री जमीन दे रखी बिजली बोर्ड को और इतनी बुरी हालत कदे हमने बिजली की देखी ही नहीं थी। गांव में पंखे नहीं चलते, खेतों में लाइट नहीं चलती, कपास हमारी जाती रही जीरी और जाती रहेगी। लाइन मना दो फोन करा हाँ, ये कहते हैं भाई हमें तो कर्मचारी एक साथ दो साथ जई दो फोन करा वो बंद कर ले है, मैंने कह दिया कर्मचारियां तई लेकिन काम नहीं कर दे। हमारे 50 साल पुराने तार हो गए, उनती बदलते नहीं। हमारा गांव की लाइट 1 किलोमीटर दूर है, खेतों की भी गांव की भी, हमारा 30 किलोमीटर घूम के लाइट आवे है और हम परेशान हो रहे। हमारी फसल दोनों की दोनों बर्बाद हो रही है और हम तो रिक्वेस्ट करा हाँ सारे महकमा दो रजा लिए जेई दो रहे SDO दो रहे, हमारा समाधान नहीं। आज समाधान करने खातर ये जमींदार अरे ताला लाए बैठे हैं और नहीं फिर हमारा समाधान नहीं हुआ आगे का फिर और रणनीति अपनाया कि ना और कुछ सोचा। क्या नाम खेड़ी लोत्सव ने ये बिजली घर के खातर जमीन इसलिए दी थी कि गाँव वाले को फायदा हो और हमको तो नुकसान हो रहा है। नारनाउंद से बड़ी आती थी जिस टाइम मसूद पर से लाइन जोड़ी उल्टी अबथ पर घुमा के खेड़ी आवा है और जो ये तार है बहुत पुराने हैं, चलती नहीं। 8-10 घंटे सरकार की कहवा पर लाइट दे हमारे कोई लाइट नहीं आ रही, घंटा दो घंटा हुआ फिर कट लाइक जे। पहले भी SDO एक्शन से मिले हैं, उनती भी आश्वासन दिया, बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमने जे हिसाब से बात करी वो कहा हमारे पास कर्मचारी नहीं, हम कर्मचारी कहाँ से लेंगे, जो हमसे वो कर सकते हैं हम तो वो कर सकते हैं। तो आज आपने क्या किया? आज सारे किसानों ने इकट्ठे हुए कनर गेट पर ताला लगा दिया। ओके क्या चाहते हो? चाहते तो हमने बढ़िया 10-12 घंटे लाइट मिला, दिक्कत नहीं हुआ कि काम धंधे की टाइम है। जो हमारी बाड़ी तो खराब हो गई, जिस भाइयों में थोड़ी बहुत जीरी है वह और ही 10 दिन में खराब हो जी।